सितारा मुझे जाना होगा। पर भाभी ये राशन तुम घर लेके जाओ। भाभी हुआ क्या? भाभी जी माँ जी, आप बताइए, आप सज्जाद साहब की बात से मुत्तफिक हैं? आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने मरहूम बेटे का खून बख्शने के लिए तैयार हैं? शादी के बाद 7 साल कबीर इंतजार किया था मैंने, तब जाकर हम्माद के आने से मेरी सूनी गोथारी हुई थी। कभी सोचा नहीं था जिसको मैंने इतनी मन्नतों मुरादों से पाया, सालिम की एक गोली निकल जाएगी उसे। बोलिए माँ जी, आप बताती क्यों नहीं? जाने वाला तो लौट कर नहीं आ सकता बेटा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगी। जिस तरह से तुम मेरी बेटी बन गई, मैं भी तुम्हारी मां बन सकूं। अम्मा मैं तो कहती मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना डॉक्टर के पास। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? एमन और सजाद है ना मेरे साथ, और वैसे भी तुम्हें मार्केट जाना है ना बेटा, वो खाने की चीजें लेने। जब तक तुम वापस आओगी ना, हम भी वापस आ जाएंगे। माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप राजी तो हैं ना? मैं इस आदमी को अपने अपने बच्चे का खून बख्शने के लिए तैयार हूं जैसा।